नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है एक्जोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन की क्या डेफिनेशन है, हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, और उसके बाद उसका एक एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, व्हाट इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि द रिएक्शंस व्हिच आर एक्यूम्पनीड विद रिलीजेस ऑफ हीट एनर्जी आर कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। एक्जोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट एनर्जी रिलीज होती है। आप इसको एग्जांपल से समझिए, C+O2 ये बन जाएगा CO2 और साथ में हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, और इस तरह से हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन को सिंपली डिफाइन कर उसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। हमने पढ़ा एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और उसका एग्जांपल स्टडी किया, अब हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे। एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस गिव वन एग्जांपल, या फिर क्वेश्चन आता है व्हाट आर एक्जोथर्मिक रिएक्शंस गिव वन एग्जांपल, या फिर दोनों भी आ जाते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन एक्जोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो उसमें आप सबसे पहले एक्जोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन देकर उसका एक एग्जांपल देंगे, और उसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शंस को डिफाइन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। The reactions which take place by absorption या consumption of heat energy are called endothermic reactions. Endothermic reactions में वो reactions आ जाती हैं जहाँ पे heat energy या तो absorb होती है या consume होती है, यानी जहाँ पे heat energy का absorption या consumption होता है वहाँ पे endothermic reactions होती है। इसका example देखिए, N2 gas plus O2 gas, यहाँ पे plus heat energy और ये बन रहा है 2NO gas। और इस तरह से हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस को भी सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।